झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ साथ कैबिनेट में 51 प्रस्तावों को पारित किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला था 12 शिक्षकों का था। लेकिन अब बता दे, जो सबसे प्रमुख बात निकल कर आई है वह सेवा शर्त नियमावली का पास होना। 136 आवासीय कल्याण विद्यालय के 21 छात्रों को मिलेगा टैब। पारा टीचरों को हेमंत सरकार का तोहफा। झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी। टैब वितरण पर 26 करोड़ होगा खर्च। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 51 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड राज्य उत्पाद राजस्व बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल को मंजूरी। छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को परामर्शी कंसल्टेंसी नियुक्त किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक हेतु झारखंड सहायक अध्यापक की सेवा शर्त नियमावली 2021 की स्वीकृति के संबंध में के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक हेतु झारखंड सहायक अध्यापक की सेवा शर्त नियमावली 2021 की स्वीकृति के संबंध में चौतीसवां प्रस्ताव, इसकी घोषणा तो पहले हो चुकी है इसलिए आप लोगों को जानकारी है। इस नियमावली से लगभग 62,876 पारा शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसके तहत मानदेय वृद्धि, 60 वर्ष की आयु तक सेवा, आकलन परीक्षा के उपरांत मानदेय में बढ़ोतरी, चिकित्सा अवकाश सहित अन्य अवकाश एवं योग्यता के आधार पर अनुकंपा का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। चौतीसवां प्रस्ताव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग अंतर्गत कुल 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को कोविड-19 के क्रम में आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन पाठन जारी रखने हेतु मोबाइल टैब उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें लगभग 21,000 बच्चे लाभान्वित होंगे, 21,000, और जो कुल अनुमानित व्यय है 26,25,00,000 रुपए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।